तो आपको उन दिनों जब ये दो दिन थे, स्टूडेंट्स थे आप, तो जी कौन से स्कल्प्टर ज़्यादा अच्छे लगते थे, अगर इंडियन सीन की बात की जाए या फिर वेस्टर्न सीन की बाद में बात करेंगे? एक तो वेल ज़्यादा BFA में मालूम भी नहीं था, फिर एक जने से जो बलबीर कट ने हमें मिलवाया वो थे धनराज भगत। अच्छा तो धनराज भगत को हम फोर्थ थर्ड ईयर के एंड में मैं मिली, बट आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट मैन। मैं उनकी बिल्कुल भक्ति बन गई भगत जी की। तो मैं जब दिल्ली आती थी तो सीधे भगत जी के घर में हम लोग जाते थे, और अभी भी उनकी वो डॉटर याद करती है कि मैं सुबह से शाम तक भगत जी के घर में ही रहते थे हम लोग बलबीर कटर में। इतनी बातें वो बताते थे कि कैसे वो आए, तब तो कुछ रेफरेंसेस नहीं थे, मतलब व्हाट हार्डशिप्स दीज पीपल फेस्ड विच वी फेस लेस। इन लोगों के ज्ञान से हम लोगों ने सीखा कैसे वुड कार्विंग में टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक धनराज भगत जी से मुझे, मतलब वी गॉट लॉन्ग वेरी वेल, मतलब बहुत अपने लड़की की तरह मुझे ट्रीट करते थे वो। और दूसरे दूसरे हमें मौका मिला इनसे मिलने का, जो जो बहुत ही अच्छा फील हुआ और बड़ा मिस्टीरियस सा लगता था कि आर्टिस्ट कैसे होते हैं। वो थे रामकिंकर बैज, उनसे मुलाकात आपकी शांतिनिकेतन में मेरी हुई? हाँ BFA में हुई, वेरी ब्रीफली। वी फेल्ट कैसे हैं ये, मतलब ऐसे बरांडे तो में बंगला सीख ली थी तब तक नौकरी आपने? में थोड़ी, हाँ, बंगाली में थोड़ी बोलती थी। तो रामकिंकर बैज, और जब मैं बड़ौदा पढ़ती थी तब एक चीज़ और अच्छी हुई है, जो हम लोगों ने जो बलबीर कट और अवतार सिंह पवार ने जो स्कटस फोरम ऑफ इंडिया शुरू किया था, तो उसमें हम लोग सब दिल्ली में मिलते थे। तो कुछ शांति निकेतन के कुछ टीचर्स आए, तो मैंने कहा मैं शांति निकेतन घूमना चाहती हूँ। बोले अरे आ जाओ गर्मी में। तो मेरे भाई की पोस्टिंग कैलकटा में थी, तो मैं अच्छा जब मर्जी शांति निकेतन चलिए कैलकटा आ के जाए। वहाँ से मैं जाती थी। तो वहाँ मैंने पहले उसमें एक प्रिंट मेकिंग कैंप में सोमनाथ होर बड़ौदा आए, एंड आई लिटरली फेल इन लव विथ हिज फेस। मुँह से ना मुझे इनका फेस बिल्कुल, मतलब मुझे लगा ही मुझे बनाना ही है। तो मैंने उनको पूछा, ही इज़ वेरी शाई मैन। उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं। मैंने कहा मेरे बेसमेंट में स्टूडियो है, 2 घंटा देना है आपको। बोले नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो आप शांति निकेतन आओ तो मैं मॉडलिंग कर दूंगा। तो मैं शांति निकेतन पहुँच गई 2 महीने बाद। वी वॉज क्वाइट शॉक्ड आ गई। फिर एक और जना जो मुझे बहुत इनकरेज करता था वो है शबरी राय चौधरी। वो हमारे, बिकॉज अजीत दा के दोस्त हुआ करते थे, तो शांति शांति निकेतन हमारे एग्जामिनर बन के आते थे। और वो मुझे याद है एक फोर्थ ईयर में लाइफ स्टडी में ही गेव मी 150 out of 100। तो अच्छा अजीत दा ने बोला ये तुमने गलती कर दी। बोले गलती नहीं करी, वेरी गुड मतलब वर्क। ऐसा नहीं ज्यादा होता, ज्यादा ही। मैं 100 में से 150 दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, आप इसको 65 से ज़्यादा वादा कुछ मत करो, हमारी ये बड़ी वैल्यूएबल लड़की है, इसको बिगाड़ना नहीं है। सब मेरे को काफ़ी, मतलब वो करते थे कि कैसे ना बिगड़े, कैसे क्या हो, कैसे क्या, मतलब प्रोटेक्ट करके। तो शबरीदा को मैं जब मिली शांति निकेतन, तो आई यूज टू ऑलवेज फील वेरी नाइस मीटिंग है, एनकरेज करते थे। फिर सोमनाथ जी मान गए पोर्ट्रेट के लिए, तो मैंने उनका पोर्ट्रेट किया फ्रॉम लाइफ, जो आप देखेंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की कलेक्शन में है। हाँ, ब्रा लेकिन आपने जो रामकिंकर जी का किया तो भी उन्हीं दिनों, नहीं, हाँ, उसी के नेक्स्ट ईयर। फिर मैं अगले साल वो प्रिंट आपके मेकिंग, अपना इनिशिएटिव था या किसी ने अपना आपसे कहा? अपना, नहीं, बिल्कुल पैसा भी नहीं होता था। ट्रेन अच्छा जर्नी का मुश्किल से टैक्सी ले जाते थे भाई के घर में, कि भाभी जी बोलते थे टैक्सी का पैसा दे दो। तो तो कितनी कितनी सीटिंग आपको इनके साथ काफी समय लगाना हो? सोमनाथ होर की जस्ट वन 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 सिटिंग, और रामकिंकर की 3। और रामकिंकर के साथ मेरा इस लाइफ टाइम वो अच्छा। सोमनाथ होर का मुझे नहीं पता था, इनकी रेपुटेशन इनकी सुनते हैं रेपुटेशन बड़ी ख़राब थी लेडीज़ के बारे में, हमें क्या पता। तो वो मुझे बोले किसी को बोलना नहीं कि पोर्ट्रेट किया। तो मैं सोच रही हूँ ये कौन सी चिमानी की बात है,
आर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, सही, मेरी वाइफ को नहीं बताना। फिर मैंने औरों को पूछा, ये ऐसे क्यों बोल रहे, अरे ये तो वाइफ आ जाएगी तुम्हें मारने में, मैं तो पूरे प्रॉब्लम नहीं हूँ, मट्टी में गा, मुझे कौन मारेगा, तो ये अ वेरी बैड रेपुटेशन। तो एनीवे, तो मैंने वो जब इलेक्शन में मैं खड़ी हुई 78 एंड में, मैंने वो कार्ड सोमनाथ सर को पोर्ट्रेट छाप के ऑल इंडिया में पोस्ट कर दिया, ऐसे अब बहादुरी से बता दो आई हैव डन इस पोर्ट्रेट। फिर डॉक्टर सिहारे लाइक्ड इट वेरी मच, उन्होंने भी लिया। फिर राम किंकर का जो मैंने किया, भाई उन दिनों पैसा तो होता नहीं था बिल्कुल, तो वो मेरा कैलकाटा में मैंने शो किया, तो विक्टर बैनर्जी ने वो खरीद लिया, खरीद लिया।